पंचमुखी हनुमान की कथा। पौराणिक कथाओं में असीमित रहस्य और अद्भुत कहानियां छिपी हुई हैं। इन्हीं कहानियों में से एक है महाबली हनुमान का पंचमुखी रूप। पर क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान जी ने ये रूप क्यों धारण किया था? आज हम जानेंगे पंचमुखी हनुमान के अवतार की पूरी कथा और इसका धार्मिक एवं पौराणिक महत्व। पौराणिक कथा के अनुसार पंचमुखी हनुमान का अवतार त्रेता युग में हुआ था, जब लंका के राजा रावण ने भगवान श्रीराम की पत्नी सीता का अपहरण किया था। श्रीराम और उनकी सेना रावण से युद्ध कर रही थी। युद्ध के दौरान रावण ने अपने भाई अहिरावण को सहायता के लिए बुलाया। अहिरावण मायावी शक्तियों का स्वामी था और उसने अपनी माया से भगवान राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया। अहिरावण ने उन्हें पाताल लोक में ले जाकर बंदी बना लिया और उनकी बलि देने का निर्णय किया। जब हनुमान जी को अहिरावण की इस योजना का पता चला तो वे तुरंत उन्हें बचाने के लिए पाताल लोक की ओर चल पड़े। लेकिन पाताल लोक का मार्ग इतना सरल नहीं था। वहां प्रवेश करने के लिए 5 अलग अलग दिशाओं में स्थित 5 दिव्य द्वारों को पार करना आवश्यक था। अहिरावण को पराजित करने के लिए हनुमान को एक अद्भुत शक्ति और रूप की आवश्यकता थी। इसी संकट से निपटने के लिए हनुमान जी ने पंचमुखी अवतार धारण किया। इस पंचमुखी रूप के 5 मुख थे। पूर्व मुख मुख्य हनुमान, यह मुख उनके स्वयं का है और यह साहस, शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। यह दिशा जीवन में उन्नति और सत्कर्म की ओर अग्रसर होने का प्रतीक है। दक्षिण मुख नरसिंह, यह मुख भगवान नरसिंह का है जो अहंकार और अधर्म का नाश करते हैं। यह मुख हमें राक्षसी प्रवृत्तियों से लड़ने की शक्ति और साहस प्रदान करता है। पश्चिम मुख गरुड़, यह मुख गरुड़ का है जो विष और संकटों से रक्षा करता है। गरुड़ का मुख विशेष रूप से सर्पों और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति का प्रतीक है। उत्तर मुख वराह, यह मुख भगवान वराह का है जो पृथ्वी को बचाने के लिए धारण किया गया था। यह दिशा जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और संरक्षण का प्रतीक है। आकाश मुख हयग्रीव, यह मुख हयग्रीव का है जो ज्ञान और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। हयग्रीव भगवान विष्णु का अवतार माने जाते हैं जो ब्रह्मांडीय ज्ञान के प्रतीक है। हर मुख की अपनी विशेष शक्ति थी जो उन्हें अहिरावण के मायावी द्वारों को पार करने में सहायता करती। हनुमान
हनुमान जी ने अपने पंचमुखी अवतार की महाशक्ति से पाताल लोक के 5 द्वारों को पार किया। उन्होंने अहिरावण के 5 जीवित दीपकों को बुझाया, जिन्हें बुझाए बिना अहिरावण को मारा नहीं जा सकता था। अंतः हनुमान ने अहिरावण का वध किया और भगवान राम एवं लक्ष्मण को मुक्त कराया। पंचमुखी हनुमान न केवल शक्ति और साहस का प्रतीक है, बल्कि वे भक्तों के लिए सुरक्षा, भक्ति और ज्ञान का भी प्रतीक माने जाते हैं। आज भी पंचमुखी हनुमान की उपासना पूरे भारत में भक्ति भाव से की जाती है। यह अवतार हमें यह सिखाता है कि जीवन के कठिन समय में हमें धैर्य, बल और भक्ति के मार्ग पर चलते हुए हर संकट का सामना करना चाहिए। पंचमुखी हनुमान की यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में जब भी हम संकटों से पीर जाएं, तब अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचान कर धैर्य और साहस से उन्हें पार करना चाहिए। पंचमुखी हनुमान का अवतार हमें यही प्रेरणा देता है कि जब भी कठिनाइयां आए, हमें अपनी भक्ति और विश्वास से उन्हें दूर करना चाहिए। आज हमने जाना पंचमुखी हनुमान के अवतार की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि आप ऐसी ही रोचक कहानियों से जुड़े रहें। जय श्री राम, जय हनुमान।